प्रदेश में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में अब हेलीपैड भी बनाए जाएंगे ताकि आपात स्थिति में इन हेलीपैड का प्रयोग कर बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत में कही। चंबा के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और रोगियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिलों में जल्द ही मोबाइल हेल्थ यूनिट स्थापित की जाएंगी। मांडविया जी को मिले, मनसुख मांडविया जी से बात करी, मैंने सबसे पहले एक ही बात कही कि हमारी बहुत सी कमियां हैं हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के लिहाज से जो मैं देख रहा हूं, और उन कमियों में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बीच का जनरल हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल या कोई भी मेन हॉस्पिटल, चाहे वो IGMC है, चाहे वो हमारे उससे भी बड़े हॉस्पिटल जैसे हम EGI भेज देते हैं, उन पे प्रेशर को कम करने के लिए खासकर हमारे जिलों में हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी मोबिलिटी दें जिसमें हम दो दो तीन तीन व्हीकल, इधर को तीन व्हीकल हमारे परले क्षेत्र को, और छः छोटी छोटी मोबाइल हमें आप वो दे देंगे जिसमें सब कुछ हो, हार्ट का हो, सर्जरी का हो, उसमें विशेषज्ञ हो, चाहे वो दो दिन ही जा सकें हफ्ते में या 15 दिन में, ऐसा एक मैं अपना प्रस्ताव देके आया हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ने चंबा में जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। चंबा के विधायक नीरज नैयर और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी भी इस दौरान मौजूद रहे।